दसवीं में पास करने के लिए प्रैक्टिकल वो थ्योरी मिला लाने होंगे 33% नंबर, यानी आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क का है, 100 मार्क के लिए एग्ज़ाम दिया है, आपको प्रैक्टिकल में अगर 30 मार्क मिल जाता है तो आप 3 मार्क और लाते हैं थ्योरी में तो आप पास कर जाएंगे। निश्चित तौर पर ये काफ़ी खुशखबरी वाला न्यूज है। और दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दसवीं और बारहवीं में पास होने के लिए कितना प्रतिशत मार्क आपको चाहिए, आप कितना प्रतिशत मार्क प्राप्त करते हैं तो दसवीं और बारहवीं में पास हो जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड और CBSE के स्टूडेंट हैं तो इसमें दोनों के लिए न्यूज है। पहले हम CBSE वाले के लिए न्यूज जान लेते हैं। CBSE के दसवीं परीक्षार्थी को प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा में अलग अलग पास होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों परीक्षाओं में संयुक्त रूप से 33% नंबर लाने होंगे। पहले क्या होता था कि अलग अलग पास करना आपको ज़रूरी होता था, लेकिन अब संयुक्त रूप से अगर 33% यानी 100 मार्क के एग्ज़ाम है 33 मार्क लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। पहले आपको अलग अलग पास करना होता था, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। पिछले साल विशेष परिस्थितियों में CBSE ने कुछ विषयों में इस आशय की छूट दी थी, जिसे इस साल पूरी तरह से लागू किया जाएगा। CBSE ने दिशा निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि अब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों परीक्षाओं में मिलाकर पास किया जाएगा। अभी तक इस मामले में संशय चल रहा था कि पिछले साल दी गई छूट इस साल प्रभावी होगी या नहीं, अब यह संशय खत्म हो गया है। गौरतलब है कि इंटरमीडिएट में अभी भी प्रैक्टिकल और थ्योरी विषयों में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। CBSE ने सिर्फ दसवीं में परिवर्तन किया है, इंटरमीडिएट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए न्यूज होंगे कि इंटर में पास होने के लिए प्रैक्टिकल वाले विषय में कितना मार्क चाहिए और नॉन प्रैक्टिकल वाले विषय में कितना मार्क चाहिए और मैट्रिक में पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए। इन सभी बातों को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ पर जो न्यूज है इस न्यूज को भी जानें। इंटर में पास होने को चाहिए 33 और मैट्रिक में 30 अंक। बिहार बोर्ड के इंटर में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकल वाले विषय में लागू है। जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उसमें 33 अंक चाहिए पास होने के लिए, और जो प्रैक्टिकल वाले विषय नहीं है उसमें 30 अंक ही चाहिए पास होने के लिए। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 100 में 30 अंक लाना अनिवार्य है। बोर्ड के अनुसार इंटर के प्रैक्टिकल वाले विषयों की थ्योरी में 70 में 21 अंक और प्रैक्टिकल में 30 में 12 अंक लाना आवश्यक होगा। यहाँ पर देखिए कि 70 अंक थ्योरी और 30 अंक का प्रैक्टिकल लिया गया है, तो 70 में 30% आपको हो गया 21 मार्क। वहीं 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल आयोजित हुई है उसमें आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 4×12। वहीं मैट्रिक में 100 में 30 अंक प्राप्त करने पर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इस बार उत्तीर्णता को लेकर कोई बदलाव अब तक नहीं किया है। इंटर में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में अलग से पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप थ्योरी में पास कर चुके हैं तो आपको प्रैक्टिकल में भी पास करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल है तो आप सफल हो पाएंगे, आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी पास करना अनिवार्य होगा। बार जानते ही हैं कि इस बार इंटर और मैट्रिक परीक्षार्थी उत्तीर्णता को लेकर के परेशान है। इसको लेकर छात्र लगातार बोर्ड से संपर्क कर उत्तीर्णता प्रतिशत जानना चाहते हैं। चूँकि इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई है, ऐसे में छात्रों को फेल हो जाने का डर है। इससे छात्र लगातार बोर्ड से पास करने के उपाय पूछ रहे हैं। ग्रेस मार्क को लेकर निर्णय अभी नहीं, बोर्ड ने ग्रेस मार्क देने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में मूल्यांकन के बाद निर्णय लिए जाएंगे। इस बार बोर्ड अगर ग्रेस मार्क देगा तो इसकी जानकारी बोर्ड को वेबसाइट पर देनी होगी। इसके अलावा छात्रों के मार्कशीट पर भी ग्रेस मार्क की जानकारी देनी है। होगा उत्तीर्णता का फॉर्मेट, कुल अंक 100, प्रैक्टिकल वाले विषय में उत्तीर्णता, बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में उत्तीर्णता 30 और थ्योरी में 70 अंक। उत्तीर्णता का अंक 70 का 30%, यानी आपको 21 मार्क कम से कम चाहिए। प्रैक्टिकल 30 अंक।
उसमें से आपको 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात 40%। मैट्रिक कुल अंक 100, उत्तीर्णता का अंक 30 अंक, यानी 30% अंक आपको प्राप्त करना होगा। से आपके मन में जो संशय था कि इंटर में पास करने के लिए कितना मार्क प्राप्त करना होगा और मैट्रिक में पास करने के लिए कितना मार्क प्राप्त करना होगा, इसके बारे में जान चुके हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस प्रकार की सूचना से आप अवगत होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए।